पुणे से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत में मुलजिम ने कर्ज अदा न करने की पादाश में मक्रोस की बीवी को ज्यादती का निशाना बना डाला और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में पेश आया। पुलिस ने 41 साल मुलजिम को खातून और उसके शोहर की शिकायत पर हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने बीवी के सामने मक्रोस शोहर के गले पर तेज धार छुरी रखकर धमकी दी कि अगर अभी कर्ज वापिस नहीं किया गया तो इसे कत्ल कर देगा। खातून के रोने पीटने पर मुलजिम उसके शोहर को कत्ल करने से तो बाज आ गया, लेकिन खातून को शोहर के सामने ज्यादती का निशाना बना डाला। कर्ज देने वाले ने मक्रोस के बीवी को ज्यादती का ही निशान नहीं बनाया, बल्कि वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी।